नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं आज ऑन न्यूज। हमारी आज की खास पेशकश, आखिर कब तक रहेगा ये कोरोना, में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हम बात करें एक ऐसी महामारी की जिसने दुनिया भर में आपातकालीन परिस्थिति खड़ी कर दी है। एक ऐसी महामारी जिसने देश भर, दुनिया भर के बड़े से बड़े राज्यों को हिला के, झंझोड़ के रख दिया। पर वहीं हम बात कर रहे हैं अपने देश भारत की, जिसने अभी भी इस लड़ाई में अपने कदम जमाए हुए हैं। हमारे साथ आज हमारे बीच मौजूद हैं एक शिक्षक जो एक हाउसवाइफ भी है, मिसेस प्रिंसी गुप्ता। प्रिंसी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इस लॉकडाउन का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, शिक्षा और घर दोनों साथ साथ कैसे चल रहे हैं। नमस्कार, आपने मुझे अपने न्यूज़ चैनल पर बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं एक टीचर हूँ और मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मेरी जो क्लासेस इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, मॉर्निंग में मेरी 3 घंटे की और इवनिंग में मेरी 2 घंटे की क्लासेस लग रही हैं, तो जिनमें बच्चों को मैनेज करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अच्छे में घर के काम भी होते हैं, क्योंकि इस टाइम में मेड वगैरह भी नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी इसमें अपने आप को इतना प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, तो लेकिन चलता है, क्योंकि हमें इस टाइम में सोशल डिस्टेंस भी रखना है। तो प्रिंसिपल जी, जैसे आपने बताया कि 10वीं के मतलब आप टीचर हैं, 10वीं के छात्रों को आप पढ़ाती हैं, 10वीं की परीक्षाओं का क्या CBSE से नोटिस आया, क्या क्या आगे डेडलाइंस या डिक्लेयर्स करेंगे, कुछ उनका कुछ नोटिस परीक्षाओं से रिलेटेड? बिकॉज हम जानते हैं 8वीं तक की तो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लासेस में, 10वीं का क्या सीन है? हाँ जी, आप ये सही कह रहे हैं कि 8th क्लास तक की तो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन 10th क्लास की अभी ऐसा नोटिस आया, अभी तक शायद ऐसा नोटिस आएगा कि ये 10th क्लास की ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम्स, तो हमें ऑनलाइन ही उनकी प्रिपरेशन करानी होगी। लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि बच्चे अपने डाउट्स वगैरह जो करते हैं वो हम मतलब अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं उनके डाउट्स वगैरह, थोड़ा सा ये हमें डिफिकल्टीज आ रही है। और हमने जैसे सुना है कि अभी जो स्कूल, कई स्कूल हैं जो अभी बच्चों के इंटरनल टेस्ट ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आपका भी ऐसा कुछ रुझान है इस बारे में कि अभी नहीं? अभी तो ऐसा नहीं है, अभी नहीं पता चला है ऐसा अभी कुछ, और आगे का भी पता चलेगा। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है एक बिजनेसमैन, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सो आपका हमारे स्वागत है आपके हमारे चैनल पे, नवजोत गुप्ता जी। तो नवजोत गुप्ता जी, जैसे आपका बिजनेस है, ये लॉकडाउन का पीरियड अब का जो चल रहा है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद का आपके बिजनेस का क्या तापमान रहेगा? केजरीवाल जी ने जो लेबर के लिए बोला है कि उनको तनख्वाह वगैरह दो या ज़्यादा दो, वो तो बिजनेसमैन उनका बिना कहे भी अपनी लेबर का ध्यान रखता है, क्योंकि लेबर के ऊपर ही काम चलते हैं सारे के सारे। बाकी उनको पूरा देना है या ज़्यादा देना है, वो तो बिजनेसमैन को ही देखेगा, अपनी अफोर्डेबिलिटी को देख के। अब हमने भी अपनी लेबर को, कोई दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट को ही सपोर्ट नहीं करती, कोई भी गवर्नमेंट जाके उनके घर में कोई हारी बीमारी होती है, उनकी कोई अपनी और ज़रूरत होती है, वो भी गवर्नमेंट नहीं देती है, बिजनेसमैन ही देता है। तो अभी भी बिजनेसमैन ही देखेगा, वो अपनी क्षमता के हिसाब से सब कुछ करेगा, क्योंकि उसने आगे काम उसी लेबर से लेना है और उसी लेबर के साथ में अपने बिजनेस को। प्रिंसेस जी, आपसे बात करते हैं, आपकी तनख्वाह का क्या है, आपको तनख्वाह मिलेगी कि नहीं? सर, जैसे हम जानते हैं कि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलने का क्या है? क्योंकि सरकार ने अपने CM, जितने भी उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी उसके नीचे हैं, उनकी तो तनख्वाह उसने काटने का विचार किया है। आपका क्या गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ऐसी कोई डेडलाइंस या ऐसी कोई स्टेटमेंट्स आई हैं कुछ कि नहीं? मेरे हिसाब से तनख्वाह कटने की तो ऐसी कोई डेडलाइंस तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, अगर हमें ये जो कोरोना है महामारी से बचने के लिए, अगर हमें कुछ डोनेशन के लिए, कुछ डोनेट करने के लिए अगर हमारी कुछ कटती है, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। जी, इस चीज़ के लिए हम एग्री हैं। जी, हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहिए आइज़ॉम्स न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए ज़्यादा धन्यवाद।